अभिनंदन, दीपावली का त्यौहार आ रहा है, आपको अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं। आज धनतेरस है, धनतेरस की तमाम लोगों को बहुत बहुत, प्रदेश के तमाम वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आज हमारे लिए धनतेरस के दिन कांग्रेस के लिए प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से बहुत अच्छा धनतेरस हमारा आया है। आज सुबह सुबह तो 31,000 की भर्ती का रिजल्ट घोषित हुआ, डीएईडी का रिजल्ट भी कल शाम को घोषित हो गया था। बच्चों को नौकरी की राह खुलेगी। और जो दो उपचुनाव जो 30 तारीख को मतदान था, उसका रिजल्ट एक का आ चुका है, एक का तकरीबन का रिजल्ट घोषित हुआ, डीएलईडी का रिजल्ट भी कल शाम को घोषित हो गया था। बच्चों को नौकरी की राह खुलेगी। और जो दो उपचुनाव जो 30 तारीख को मतदान था, उसका रिजल्ट एक का आ चुका है, एक का तकरीबन आने के ऊपर है। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि दोनों उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। दारियाबाद में हम 18,700 से अधिक मतों से जीत चुके हैं, चुनाव आयोग ने जीत डिक्लेयर कर दी है। और बल्लभ नगर में हम तकरीबन इसके पास में हैं। अब कंपटीशन दोनों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का नहीं होकर के एक कंपटीशन तो कांग्रेस में दोनों उम्मीदवारों में कौन ज्यादा मतों से जीतता ये रहा है, और एक कंपटीशन ये था जो करीब करीब उसमें भी बीजेपी हार चुकी कि दूसरे नंबर पे रहने की लड़ाई वो लड़ रहे थे, लेकिन शायद जो मुझे जानकारी अब तक है, भारतीय जनता पार्टी दोनों चुनाव में तीसरे और चौथे स्थान पे है, सेकंड में भी नहीं रही है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत, हमारे राजस्थान की सरकार मुखिया अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो गुड गवर्नेंस हो रही है उसकी जीत, और हमारे नेता राहुल गांधी जी जिस प्रकार से केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार जो विफल रही है, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे दूसरे मुद्दे हो, उनके ऊपर उन्होंने जो एक्सपोज इस मोदी सरकार को पूरे देश में किया है, उससे राजस्थान में महंगाई के मुद्दे को, बेरोजगारी के मुद्दे को लोगों ने इस बात को समझा है और उससे प्रभावित होकर के ऐतिहासिक जीत राजस्थान में दोनों उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी को दिलाई है। और भारतीय जनता पार्टी को तीसरे नंबर और चौथे नंबर के ऊपर धकेलने का काम किया है। मैं समझता हूं कि जो चुनाव उपचुनाव होते हैं उसमें सरकार की एंटी कमेंसी होने के कारण से प्रायः यह माना जाता है कि प्रतिपक्ष को सफलताएं मिलती हैं। आपने देखा होगा 13 से 18 के बीच में जब हम विपक्ष में थे तो 8 उपचुनाव हुए थे, 6 चुनाव कांग्रेस पार्टी जीती थी। संकेत मिल गए थे कि एंटीकमेंसी इतनी तकड़ी है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और भाजपा का सूपड़ा साफ होगा। आज जब हम 7 उपचुनाव हैं तो 5 में कांग्रेस जीती, 1 में आरएलपी और बीजेपी मिलकर के चुनाव जीती थी, और 1 में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है, वो भी 25,000 के जंतर से जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी 5,000 में सिमट गई।
इससे स्पष्ट होता है कि मोदी जी की सरकार के खिलाफ पूरी एंटी कमेंसी है और हमारी सरकार राजस्थान में जो चल रही है उसकी गुड गवर्नेंस और लोकप्रियता इतनी है कि ये संकेत ये है कि 2023 में पुनः कांग्रेस की सरकार भारी बहुमत के साथ में बनने वाली है। मैंने पहले भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी में केवल आज की तारीख में एक कंपटीशन चल रहा है, एक एजेंडे के ऊपर वो लोग बात काम कर रहे हैं कि अपनी लीडरशिप को क्रेश करो, चाहे भारतीय जनता पार्टी दोबारा यहां जिंदा रहे या नहीं रहे इस बात की परवाह नहीं है। और मैं समझता हूं इस कंपटीशन में वो सफल रहे कि भारतीय जनता पार्टी प्रतिपक्ष में होते हुए भी जनता के मुद्दे नहीं उठाए, सरकार की योजनाओं के लिए कोई कमी खामी नहीं बताए, बल्कि आपस में लड़ करके झगड़ करके अपने आप का सर्वनाश कर ले, इस दिशा में ये लोग बात चल रहे हैं। खुद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी का मैं अभी मीडिया में सुन रहा था, उन्होंने ये कहा कि तात्कालिक मुद्दों के ऊपर चुनाव हुआ है, तात्कालिक मुद्दों के ऊपर चुनाव हुए और हम हार गए, तो मैं उनको बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि तात्कालिक मुद्दे राजस्थान में दो थे। एक तात्कालिक मुद्दा यह था कि सरकार बहुत बेहतर और अच्छा काम कर रही है, गुड गवर्नेंस है, अच्छा बजट है, अच्छा कोरोना का मैनेजमेंट है, अच्छी लाइन ऑर्डर है, और दूसरा मुद्दा जनता के बीच में यह था कि केंद्र की मोदी सरकार कि महंगाई ने कमर तोड़ दी, बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे रहे हैं, आर्थिक नीति हमारी फेल है, विदेश नीति हमारी फेल है, और किसानों के लिए जो तीन काले कानून बड़े उद्योगपति मित्रों को फायदा देने के लिए लाए उससे किसान परेशान है और वो आक्रोशित है सरकार के खिलाफ। ये दो तात्कालिक मुद्दे थे जिनके ऊपर हमें मत मिला है और उनको भारी असफलता मिली है। तो स्वयं जब स्वीकार कर चुके और ये बात सर्वविदित हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी में जो इतनी लड़ाई है, जहां जहां भी राठौड़ साहब जाते हैं, पूनिया जी से पहले, प्रदेश अध्यक्ष से पहले भाषण देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस एक मिनट पहले करते हैं, फिर पूनिया जी करते हैं, गुलाबचंद जी कटारिया साहब के कहने से टिकटें नहीं मिलती हैं, वो कहां क्या बोल जाते हैं ये उनके ध्यान में नहीं रहता है, श्री राम के लिए क्या बोल जाते हैं, कन्हैया का स्वर्गवास हो गया एमएलए साहब का, उसके लिए भी उन्होंने किन शब्दों का प्रयोग किया था मैं दोहराना नहीं चाहता। एक बात जो विशेष रोचक सामने आई है वो भी मैं शेयर करना चाहता हूं आपके सामने कि भारतीय जनता पार्टी के यहां के लीडरशिप ने केंद्रीय नेतृत्व को ये दोनों ही नाम नहीं भेजे थे जिनको टिकट मिली है, यानी केंद्र के नेतृत्व को भाजपा के प्रदेश नेतृत्व के ऊपर, इनकी कोर कमेटी के ऊपर कोई विश्वास नहीं है। उन्होंने अपनी मर्जी से ये फैसले करके और यहां पर भेजा, तो जो आपस में इनमें प्रदेश की भाजपा की इकाई में झगड़े हैं उनसे ज्यादा प्रदेश बीजेपी और केंद्र की जो बीजेपी है उसमें भी समन्वय का अभाव है, एक दूसरे पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। हमारी बात, राहुल गांधी जी की बात बहुत साफ और स्पष्ट हो रही है कि केंद्र में मोदी सरकार हिटलर शाही शासन कर रही है, न अपने नेताओं को, स्थानीय नेताओं को पूछ रही है, न अपने सीनियर लीडर जो केंद्र में बैठे हैं उनको पूछ रही है, केवल नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपनी मर्जी से फैसले कर रहे हैं। और जो बल्लभ नगर की टिकट मिली है, आप और हम सब जानते हैं कि कितने में क्या हुआ,
मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो जब कोई पार्टी इस तरह से प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ फैसले करने लगे, कोई पार्टी केंद्र में बैठकर के हिटलरशाही शासन करे, जनता के मुद्दों से सरोकार नहीं रखे, कोई पार्टी अपने ही नेताओं को क्रेश करने में लग जाए, तो उस पार्टी का खात्मा निश्चित है। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि हम लोग 18,000 से ऊपर चुनाव धारियाबाद में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण से जीत चुके हैं। आदरणीय खाचरियाबाद साहब पहले दिन से वहां के इंचार्ज मिनिस्टर थे बल्लभ नगर के, इन्होंने शानदार वहां पर व्यवस्थाएं की और गांव गांव में घर घर में जाकर के सरकार की, हमारी लोकप्रिय सरकार की योजनाओं को बताने में सफल रहे। और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार जो मोदी जी और अमित शाह दो व्यक्ति चला रहे हैं, उनकी जो खिलाफ जो मुद्दे थे, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे आर्थिक नीति का मुद्दा हो, चाहे विदेश नीति चाइना ने जो कब्जा किया उसका मुद्दा हो, उनको बताने में सफल रहे। यहां पर भी धारियाबाद में भी हमारे अशोक चांदना जी, हमारे बामनिया जी, धर्मेंद्र जी राठौर और तमाम हमारे जो रामलाल जी एमएलए साहब, महेंद्रजीत मालवीय जी, तमाम लोग वहां पर, डूंगरपुर के जिला अध्यक्ष खोडनिया जी, तमाम लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत की। और बल्लभ नगर में भी प्रमोद जैन भाया जी और खाचरियावास साहब के नेतृत्व में जिन जिन लोगों की भी प्रदेश संगठन ने ड्यूटी लगाई, उन्होंने लोगों के बीच में जाकर के सरकार की जो अच्छी योजनाएं थी उसको बताने का काम किया और केंद्र सरकार की विफलताओं को बताने का काम किया, जिससे ये परिणाम आया है। कल जिला परिषद के दोनों चुनाव में हम बहुत अच्छे मतों से जीते और प्रधान उनके 22 में से 6 बने, वो भी फिर उप प्रधान में 4 में आकर के टिक गए। तो उनका ग्राफ धीरे धीरे नीचे जा रहा है और 3 साल पूरे होने के बावजूद भी कांग्रेस की हमारी सरकार और संगठन के तालमेल के कारण से हमारा ग्राफ ऊपर जा रहा है। और जिस प्रकार से हमारे नेता राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री और केंद्र की सरकार को विभिन्न मुद्दों के ऊपर एक्सपोज करने का काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं पूरे देश में इस तरह का माहौल बन चुका है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार अब दोबारा जब भी चुनाव होंगे वो नहीं आ पाएगी। कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे देश में पुनः भारी बहुमत के साथ में आने वाली है। अन्य कोई बात आप पूछना चाहें इससे संबंधित? वैसे तो पूनिया जी ने दोनों बातें बता दी। जिम्मेदारी तो तय करो, जिम्मेदारी होनी चाहिए ना, वो तो जिम्मेदारी तय करने वाली पार्टी अपने आप को बताती है, मिस्ड कॉल से देश की और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाती है। तो आज जिम्मेदारी या तो मोदी जी और अमित शाह ने हिटलरशाही से अगर कैंडिडेट उनको दिए, इनको पूछा नहीं, तो उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। इतना साहस होना चाहिए कि वो कह सकें कि साहब हमने जो बताया वो आदमी नहीं दिया, हम कैसे काम करते। या फिर ये कहना चाहिए कि हम जिम्मेदारी लेते हैं, मैंने तो पहले ही कह दिया था जहां राठौर साहब चले गए वहां हमारा एक सीट का तो काम हो गया। तो राजेंद्र जी राठौर जहां जहां संतुल को पैर पड़ते हैं वहां बंटा डार होता है, वो अपनी पार्टी की सुपारी लेके ही किसी जगह पे जाते हैं, ये उनकी खास बात है। बिल्कुल नहीं, एक आरएलपी और बीजेपी संयुक्त जीती है और एक बीजेपी जीती है। इसका ये सीधा संदेश है कि सरकार की कोई एंटी कमेंसी नहीं है, लोकप्रियता बढ़ी है, हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में, और 2023 में भारी बहुमत के साथ में दोबारा कांग्रेस पार्टी की सरकार राजस्थान में बनेगी। और कुछ? महंगाई, बेरोजगारी, विदेश नीति, किसानों की बात, इसके लिए जो राहुल